अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं तरबियत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश से 40 दिन पहले अस्हाब फील का वाकया पेश आया। शाह यमन अबरहा हाथियों के एक बड़े लश्कर को लेकर बेतुल्ला शरीफ को उठाने के लिए मक्का आया, मगर अल्लाह ताला ने उसके पूरे लश्कर को तबाह करके बेतुल्ला की खुद हिफाजत फरमाई। मुअर्रिखीन का बयान है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक उसी वक्त किसरा के शाही महल में सख्त जलजला आ गया और उसके 14 कंगूरे गिर गए। इसी तरह फारस के आतिशकदे की आग, जो बराबर 1000 साल से जल रही थी, एकदम से बुझ गई। गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह का ये ऐलान था कि अब इस दुनिया में वो हस्ती पैदा हो चुकी है जिनकी अजमत और बुलंदी का चर्चा पूरी दुनिया में होगा, जो कुफ्र और शिर्क और गुमराही को ख़त्म करके ईमान और तौहीद का बीज बोएगा और तमाम बुरी आदतों को ख़त्म करके लोगों को अच्छे अखलाक सिखाएगा, और जो किसी एक कौम, कबीला और ख़ानदान और मुल्क का नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया का हादी और पैगम्बर होगा।